हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप हैं जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के डायलर में जाना है। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलर आईडी एंड स्पैम। आपको उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है शी कॉलर एंड स्पैम आईडी का। आपको उसे ऑन करना है। यहाँ से आपको एक ट्रू कॉलर की जगह पर काम करता है। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पर ब्लॉकेड नंबर्स का। आपको ब्लॉकेड नंबर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है ऐड ए नंबर का। ऐड ए नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नंबर डायल करके ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉलिंग अकाउंट का। आपको यहाँ पर कॉलिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग का। कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्ड ऑन एंड कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट। आपको इसे ऑन करना है। इसे ऑन करने के बाद में यहाँ से आपको ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सिलेक्टेड नंबर्स का। सिलेक्टेड नंबर्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलवेज रिकॉर्ड सिलेक्टेड नंबर्स। आपको उसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद में ऑलवेज रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप अपने फोन में कोई भी पर्सनल नंबर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप चूज़ अ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन का। आपको यहाँ डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोर बाय नेम फॉर्मेट। यहाँ से आप अपने फोन में कोई भी कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम या लास्ट नेम शो करवा सकते हैं। सिंपल तरह से यहाँ से आपको हो जाना है बैक। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है साउंड का। आपको यहाँ पर साउंड पे क्लिक कर देना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सारे साउंड देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर सिंपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है वॉइस मेल का। आपको वॉइस मेल पर क्लिक करके यहाँ से अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करना चाहते हो या बात नहीं कर सकते हो तो आप उसको यहाँ से वॉइस मेल सेंड कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्लिप टू साइलेंस का। फ्लिप टू साइलेंस को आपको इस तरह से ऑन करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये थी हमारी कॉल सेटिंग, बहुत ही सिंपल है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।